हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, यूं तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो अभी तक मैं अपने चैनल में बना चुका हूं, मगर इस वीडियो से मेरा कोई पर्सनल कनेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो है अलकनंदा क्रूज़, जो कि मेरे शहर बनारस में स्टार्ट हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे अलकनंदा क्रूज़ के बारे में, उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में, उसके कॉस्ट के बारे में, और साथ साथ आज हम विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरियों में से एक बनारस के बारे में भी जानेंगे मेरी नज़र से। क्योंकि दोस्तों, गूगल पे तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, लेकिन एक बनारसी ही आपको सही मायने में बनारस की परिभाषा बता सकता है। दोस्तों, बनारस अपने में एक महफिल है। अगर आप मोहल्ला 80 मूवी देखे होंगे तो उसमें रवि किशन जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि बनारस में तीन चीज़ बड़ी फेमस है, बनारस का खान, बनारस का पान और बनारस का जवान। जी हाँ दोस्तों, ये वो शहर है जहाँ कोई भी राजा नहीं है, कोई भी भिखारी नहीं है, सब इक्वल है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बनारस का सफर। ये बनारस है, अगर लौंडा साला यहां भी हार गया तो जीतेगा कहां? दोस्तों, बनारस को सर्वविद्या की राजधानी कहा जाता है। वो तो बहुत से बड़े बड़े प्रख्यात लोग बनारस में पैदा हुए, जैसे कबीरदास, सूरदास, लाल बहादुर शास्त्री जी, बिस्मिल्लाह खान। और दोस्तों, ये जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये शहर हर किसी को अपने में रम लेता है। जो यहाँ पर आता है वो यहीं का हो जाता है। आप चाहे पूरा विश्व घूम लीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ एज अ बनारसी कि बनारस में आप कुछ अलग पाओगे। इसीलिए जो भी यहाँ का आया है, जो भी यहाँ को आया है, वो यहीं का हो गया है। आइए कुछ शब्द जानते हैं जो लोगों ने बनारस के बारे में कहे, प्रख्यात लोगों ने। इसमें से ताहिर शाह कहते हैं, एनलाइटमेंट एंड द डेथ विच कम बिफोर इट इज़ द प्राइमरी बिजनेस ऑफ बनारस। मतलब दोस्तों, बनारस वो जगह मानी जाती है पूरे विश्व में जहाँ पर जन्म और मृत्यु का संगम होता है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। लोग पैदा कहीं भी हों, मरना लोग बनारस में ही चाहते हैं। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ब्रैड पिट जब बनारस आए थे तो उन्होंने बनारस के बारे में कहा था, आई फाउंड वाराणसी एब्सोल्यूटली स्टैगरिंग, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, द सिटी जस्ट स्पिल्स इनटू द रिवर गंगेज, इट इज़ रियली रियली एक्स्ट्रॉर्डिनरी। और दोस्तों, मार्क ट्वेन कहते हैं, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन देन लीजेंड, एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। दोस्तों, बनारस पूरे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अपनी ज़िंदगी में एक बार बनारस ज़रूर आए, अपने माँ बाप को लेकर ज़रूर बनारस आए, खुद भी आए, बनारस को एक्सप्लोर करें और जानें कि शहर जब महफिल बनती है तो क्या होता है, हर गली हर चौक जब महफिल होती है तो क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बनारस अपने में एक महफिल है, जो यहाँ पर आता है यहाँ का हो जाता है, और जो एक बार इसके बारे में सुन लेता है वो अपने आप को यहाँ पर आने से रोक नहीं पाता। आइए, सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन आइए तब भी हम जानते हैं कि विश्व के और भारत के वो कौन कौन लोग हैं जो बनारस आ चुके हैं और जिनको बनारस ने अपने रंग में रंग दिया था। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी, ये तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बनारस से। और दोस्तों, इनको मैं इसलिए प्रेस करता हूँ क्योंकि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर, आप अगर किसी भी शहर से बिलोंग करते होंगे तो शायद आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उतनी बार आपके शहर में नहीं आते होंगे, और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होकर हमारे बनारस में 4 साल के अंदर अंदर 17 से 18 बार आ चुके हैं। तो मैं इनको सल्यूट करता हूँ, एज अ MP इन्होंने बनारस में बहुत काम किया है। अगला है दोस्तों, हमारे इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी,
इन्होंने भी जब बनारस का नाम सुना तो अपने आप को रोक नहीं पाए और अपनी पत्नी का बर्थडे मनाने ये बनारस ही आए थे। उसके बाद दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सुपरस्टार भी बनारस आया। जब हैरी मेट सेजल की प्रमोशन के लिए शाहरुख खान बनारस आए थे और उन्होंने पान भी बनारस का खाया था। उसके बाद मिस्टर परफेक्टनिस्ट, आप बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन ड्यूरिंग थ्री इडियट्स के प्रमोशन के दौरान बनारस में दालमंडी करके एक इलाका है, वहाँ पे आमिर खान जो कि मिस्टर परफेक्टनिस्ट कहलाते हैं उनकी नानी का घर था। तो वो अपने नानी के घर आए थे, वो अपनी वेशभूषा बदल कर आए थे, मगर एक ऑटो वाले ने उनको पहचान दिया था और बाद में थ्री इडियट्स की स्क्रीनिंग पे उन्होंने उस ऑटो वाले को बुलाया था। अगला है दोस्तों हॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार ब्रैड पिट, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि उन्होंने बनारस के बारे में क्या कहा था। और दोस्तों रामचरण तेजा, मतलब नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया, यूरोप से लेकर आप एशिया, हर सेलिब्रिटीज़ लगभग बनारस आ चुका है और बनारस आना चाहता है। यह लिस्ट तो थोड़ी छोटी है, मॉर्गन फ्रीमैन हो गए, चाहे आप अभी कंगना रनौत की अपकमिंग मूवी है मणिकर्णिका, वही बनारस में शूटिंग हुई है। फिर आप सुपर 30 देख लो, वही बनारस में शूटिंग हुई है। गैंग्स ऑफ वसेपुर देख लो दोस्तों, वो भी बनारस में शूट हुई है। तो दोस्तों ये लिस्ट थोड़ी लंबी चौड़ी है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंत में मैंने बनारस के एक शख्स का इंटरव्यू डाला है जो मैंने खुद से किया है। ये बनारस की घाटों पर नींबू चाय बेचते हैं, नींबू चाय बनारस में बड़ा फेमस है। ठंडी के दिनों में लोग अक्सर घाट पे बैठते हैं और नींबू चाय का आनंद लेते हैं। तो इन्होंने गम का बड़ा अच्छा व्याख्या किया है। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बीच का अंतर इन्होंने एक छोटे से वर्ड से डिफाइन कर दिया है। उस इंटरव्यू को ज़रूर देखें। आइए दोस्तों अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अलकनंदा क्रूज़ के बारे में। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं ये अलकनंदा क्रूज़ है जो कि वेस्ट बंगाल से आई है बनारस से घाटों पे। और दोस्तों ये एक 5-स्टार लग्जरी टूरिस्ट क्रूज़ है खिड़किया घाट पे। यू तो बनारस में 84 घाट हैं, इस वक्त ये खिड़किया घाट पर है। और दोस्तों इस वेसल का नाम अलकनंदा है और ये आपकी इंडिया की पहली लग्जरी क्रूज़ है जो कि पैसेंजर्स को आपका कैरी करेगी ऑल अराउंड 84 घाट्स। बनारस में टोटल 84 घाट हैं जिसमें से कि 5 घाट दोस्तों बड़े फेमस हैं। उसमें एक है आपका 80 घाट, एक है आपका केदार घाट, एक है आपका दशाश्वमेध घाट, एक है आपका मणिकर्णिका घाट और एक है आपका पंचगंगा घाट। वैसे तो सारे घाट फेमस हैं लेकिन इन पांचों घाट का प्रोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। अगली बात दोस्तों कि दोस्तों ये जो अलकनंदा क्रूज़ है ये करीब 30 मीटर लंबा है, डबल डेकर्ड है और ये करीब करीब 110 पैसेंजर को अपने साथ कैरी कर सकता है। आप देख सकते होंगे कि इसका इनर कितना लग्जीरियस बनाया गया है। अगला दोस्तों इसमें आपकी सोफा सेट की पूरी स्टाइलिंग है और इसमें आराम से लोग बैठकर पूरे के पूरे 84 घाटों का व्यू ले सकते हैं, आरती का व्यू ले सकते हैं। और अभी कुछ दिन बाद दोस्तों वहाँ पे देव दिवाली होने वाली है, उसमें अच्छी खासी भीड़ आपको इस क्रूज़ में देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों जैसा कि इतिहास में भी लिखा पड़ा है कि सुबह बनारस बड़ी खूबसूरत होती है और शामें अवध बड़ी खूबसूरत होती है, तो सुबह बनारस का अगर आपको मज़ा लेना है तो एक बार ज़रूर इस क्रूज़ में बैठिएगा। और दोस्तों ये जो क्रूज़ है ये आपका फुल्ली वेजिटेरियन है, इसमें आपको खाने वगैरह भी मिलेंगे जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। और दोस्तों ये पूरा का पूरा जो क्रूज़ है वो GPS, वाईफाई, स्किड प्रूफ आफ्टर डेक और इसमें करीब करीब 4 बायो टॉयलेट्स हैं जिसकी जो कि इसलिए बनाए गए हैं ताकि ड्यूरिंग पी वो गंगा को आपका पल्यूट ना करे, इसलिए वहाँ पर आपका दोस्तों बायो टॉयलेट बनाए गए हैं इस क्रूज। और दोस्तों ये जैसा कि मैंने पहले बताया ये डबल डेकर है जिसमें कि आपका जो लोअर डेकर है ये पूरी तरह फुल्ली एसी से ऑक्यूपाइड है और लेकिन इसका अपर डेक जो है वो आपका ओपन है जिससे आप आसानी से गंगा घाट की हवाओं का मज़ा ले सकते हैं, व्यूज़ का मज़ा ले सकते हैं। और दोस्तों ये जो क्रूज़ है ये डेली दिन में
आपका 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को आपका ट्रिप मारेगी और ये स्टार्ट होगी 80 घाट से और अपनी जर्नी को एंड करेगी 80 घाट पे और ये टोटल 12 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस कवर करेगी। अब ये दोस्तों ये इसकी थोड़ी सी प्राइस लिस्ट भी है कि इसकी जो क्रूजिंग आर है वो सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक है, जिसके लिए आपको सुबह 6:30 बजे रिपोर्ट करना पड़ेगा और रिपोर्टिंग करना पड़ेगा आपको दोस्तों अलकनंदा जेटी, वहाँ पर एक कैंप बनाया गया है 80 घाट के पास। फेयर है दोस्तों 750 रुपये प्लस इसके बाद आपका GST भी लगेगा 18%। ब्रेकफास्ट मील भी मिलेगा, 1 चीज़ वेज क्लब सैंडविच एंड 1 एगलेस मफिन ऑन पेमेंट ऑफ ₹150, मतलब 150 रुपये अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको 1 चीज़ वेज क्लब सैंडविच मिलेगी और 1 एगलेस आपका मफिन मिलेगा। और दोस्तों 2 साल से कम या 2 साल तक के बच्चों का इसमें कोई भी किराया नहीं लगेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो बनारस को कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है लेकिन टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा बूस्ट करेगी। और लेकिन थोड़ी सी क्रिटिक्स दोस्तों प्राइस में हो सकती है बिकॉज 750 रुपये थोड़ा महंगा है अगर देखा जाए इन फ्यूचर में। अब दोस्तों टूरिस्ट के अकॉर्डिंग शायद इसे कम किया जा सके या इसको एज इट इज़ रखा जाए, ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा एक इफेक्टिव सा वीडियो, आइए अब हम देखते हैं उस शख्स का इंटरव्यू जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, जिन्होंने एक अमीर और एक गरीब के आदमी के बीच का अंतर बता दिया, आइए देखते हैं। इससे तू कह सकल है गम खाइल जाला जैसे आप रे बोलला गरीब जला कि कब मार नहीं करो ओके कब लोग गम कहती भी लामे हट जा। अच्छा तो क्षमता बर्दाश्त करके लामे हट जा। अच्छा ओके तो मार नहीं करो। अच्छा तू एक कहानी सुनी ले रला अभी एक बार और सुना दा, तो सेठ और ओकर कहानी सुनी ले रला वो जो बाऊ साहब बनिया कर। अच्छा बनिया जो कहला हम जो चीज खाइला जिंदगी में कबो खेले ना होगा। अच्छा जिंदगी में कबो खेले ना होगा। हां भाई साहब कहने भोसड़ी के हमरे के अरबी खरबो तू काले का खा ले। हाँ कहती ऐसा चीज़ खा बाकी जिंदगी में तू कभी खेले ही ना होगा। हाँ कह रिवॉल्वर से मार दे अरे कह बतला कह भैया बतला ही कह हाँ कह गम अब तू गारी देबा तुझे मार देबा वो तो हम बर्दाश्त करा गम खाए के रह जा किसी को मार ना कर जा। चार जानी अब यहाँ दे बोली है गारी दी है। अच्छा चला बर्दाश्त करे के हाँ गम खाए के रह जाए के हाँ और का चला गुरु बहुत सही।